बढ़ते पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस सोयाबीन तेल सीमेंट लोहा आदि वस्तु की कीमतों में मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की। उसके खिलाफ पारशिनी शहर करभाड़ रोड पर पालवील पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता हर्षवर्धन निकोसे की अगुवाई में आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। पारशिनी सावनेर महामार्ग रोक कर विरोध किया गया। रोजमर्रा की चीजों में मोदी सरकार ने 6 सालों में जीवनावश्यक चीजों की कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी कर देश के नागरिकों का जीना दुर्भर कर दिया है। मोदी सरकार की ओर से की जा रही कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। वहीं सोमवार को देश भर में कांग्रेस की ओर से आंदोलन कर विरोध किया गया। मोदी सरकार की नीति के खिलाफ रोष दर्शाया गया। मोदी सरकार साधारण परिवार को राहत देने के बजाय परेशान कर रही है। जीवनावश्यक रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी कर देश के लोगों को भूखा मारने की साजिश रची जा रही है। इसी तरह की बातें आंदोलनकारी नेताओं ने आंदोलन स्तर पर की। इस आंदोलन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता निकेश भोयर अमजद पठान प्रमोद काकड़े वहीद शेख समेत अन्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन को देखते हुए पारशिनी पुलिस विभाग की ओर से भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। मोदी सरकार जेव्हापासून सत्तेमध्ये आले तेव्हापासून जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले आहेत। पेट्रोलचे भाव 101 रुपयाचा वर झालेले आहे, डिझेलचे भाव पण 90 च्या जवळजवळ झाले आहेत। त्याच्यामुळे सामान्य जनता या महागाईमुळे अत्यंत त्रस्त झालेली आहे। खाद्यतेलाचे भाव दुप्पट झालेले आहेत। जे खाद्यतेल 1200-1300 रुपयामध्ये यायचं ते 2500 रुपयाचा वर गेलेलं आहे सर्वच वस्तू। त्याच्यामुळे मोदी सरकार जेव्हापासून या देशामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून सर्वसामान्य जनता या महागाईमध्ये होरपडून गेलेली आहे आणि त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी आज आम्ही काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी इथे मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित आहो। आणि जोपर्यंत मोदी सरकार आता त्यांना हटवल्याशिवाय सामान्य जनतेला त्याचा दिलासा मिळणार नाही। गॅस सिलेंडर पेट्रोल डिझेलचे भाव असा अटोक्याच्या बाहेर गेलेले आहेत, त्यामुळे आज काँग्रेसतर्फे देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे आणि हे आंदोलन संपूर्ण देशामध्ये आहे। त्याचप्रमाणे पारशिनीच्या पालवील पेट्रोल पंपावर मान्य हर्षवर्धन निकोसे यांच्या नेतृत्वात आज इथे आंदोलन करण्यात आलं आहे। मोदी सरकारने जी भाववाढ केली आहे, पेट्रोल असो डिझेल असो गॅस असो इतर वस्तूंचे भाव ही अतोनात वाढवले आहे, त्यामुळे हे आंदोलन मोदी सरकारला जागवण्यासाठी काँग्रेसतर्फे आंदोलन केले जात आहे। त्या पाहण्यामुळे पाहू शकता की या इथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये BCN News के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।